Good morning, friends. My name is Monica Parmar and I belong from Chembur, Mumbai. मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और उसी की वजह से कुछ हफ्तों पहले मैं कुछ कोविड पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आई थी एंड उसकी वजह से मुझे भी कुछ सिम्टम्स हो गए थे. सो मैंने भी मेरा कोविड का स्वैब टेस्ट करवा लिया. कोविड का स्वैब टेस्ट करवाने के एक दिन पहले से लेकर तीसरे दिन तक इस इंस्टीट्यूशन में जब मुझे आइसोलेट किया गया तब तक मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी. दिक्कतें यानी मुझे फीवर था, सोर थ्रोट था, थ्रोट में एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, कफ था, कोल्ड था, फीवर था एंड ये चीज़ें बहुत ही मुझे सता रही थी. मतलब मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था मुझे. और उसी दिनों थर्ड डे पे जब आइसोलेट किया गया, थर्ड डे था जब आइसोलेशन का, तो मेरे कलीग का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक एयर प्योरीफायर के बारे में तुझे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ और उसी की वजह से तुझे अच्छा भी लगेगा अगर तू अपने बेड के पास रखेगी. मैंने उन पर फेथ रखा और इस इंस्टीट्यूशन के हेड से परमिशन लेके मैंने एयर प्योरीफायर मंगवा लिया. एयर प्योरीफायर मंगवाने के बाद मैंने अपने बेड के पास लगवा दिया. जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि एयर प्योरीफायर मेरे बेड के पास है. जैसे ही मैंने एयर प्योरीफायर लगाया, उन्होंने साथ ही साथ एयर प्योरीफायर के साथ ही साथ मुझे कुछ सप्लीमेंट्स भी भेजे, जो सप्लीमेंट्स का नाम था सी बकथॉर्न, नोनी और कॉम्बोइटिक्स. ये तीन चीज़ें का उनका उन्होंने डोज भी बताया. उस डोज के हिसाब से मैं ये चीज़ें लेती हूँ. मेरी मेडिसिन चल ही रही थी, यहाँ की ट्रीटमेंट चल ही रही थी, बट साइमल्टेनियसली मैंने वो भी चीज़ें चालू कर दी थी जैसे उन्होंने बताया और एयर प्योरीफायर को मेरे बेड के पास रख दिया मैंने. और उसी के वजह से यह मिराकल हुआ कि धीरे धीरे मेरा वीकनेस कम होते गया और मेरा ब्रेथलेसनेस टोटली चला गया. जैसे कि अभी आप देख सकते हो, फर्स्ट डे से अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, आज टुडे इज़ द 11th डे एंड मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और विदाउट एनी ब्रेक आई कैन टॉक इजीली. वरना मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना ब्रेथलेसनेस हो रहा था. बट थैंक्स टू हर, हर नेम इज़ गीता वरुण एंड आई रियली आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें अच्छी होने लगी. और 14th डे पे मेरा डिस्चार्ज है. सो थैंक यू सो मच टू गीता वरुण अगेन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ऐसे ना ही सिर्फ मुझे इस प्रॉब्लम से का सोल्यूशन मिला है, बट मेरे रूम में लगाने की वजह से, जो रूम में मैंने एयर प्योरीफायर लगवाया है, वो रूम में मेरे साथ काफ़ी लेडीज भी है, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में पूछा कि ये चीज़ है क्या जिसके वजह से हमें रात को अच्छी नींद आने लगी है, हमें काफ़ी एकदम अच्छा महसूस होने लगा है. जो लोग रात भर सो नहीं पाते थे ब्रेथलेसनेस की वजह से, वो अभी पूरी 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं. सो गाइस, कैन यू इमेजिन, ये चीज़ हो रही है इसी की वजह से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.